नमस्कार, मैं नीता सैफी, देख रहे हैं आप महाखबर। फिलहाल हम हैं दिल्ली और गाजियाबाद के हाईवे पर, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, दिल्ली के निवासी हैं, साथ ही इनके खुद के भी खेत खलिहान हैं और किसानों का साथ देने के लिए इस आंदोलन में आ गए हैं। बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका किसान आंदोलन पर क्या कहना है। आप दोनों का स्वागत है महाखबर में, आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम अजय कुमार है। मैडम अजय कुमार जी, अच्छा सर, आप पेशे से किसान हैं या क्या करते हैं आप, और किसानों के आंदोलन में क्यों आए? मेरे दादाजी किसान रहे हैं। अच्छा। और काफ़ी टाइम से हम भी खेती से जुड़े रहे हैं। मेरे 3.5 बीघे खेत है। अच्छा। पिसावा जलालपुर, जिला अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, बट मेरा घर जो है यहाँ दिल्ली में विनोद नगर स्थित है। ठीक है। और अभी आपको बताऊं कि जो स्थिति, मौजूदा स्थिति चल रही है गोदी मीडिया की, आप यकीन मानेंगे 8-9 महीने हो गए लॉकडाउन के बाद से। मैंने टीवी का रिचार्ज करना भी बंद कर दिया। मैंने कोई मीडिया की खबर अपने घर में नहीं, ना तो मैं अपने बच्चों को नेगेटिविटी फैलाना चाहता हूँ, ना मैं खुद अपने नेगेटिव देखना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं होता। एक प्रॉपर एजेंडा होता है बाकायदा गोदी मीडिया द्वारा, सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जाता है, झूठ के अलावा कुछ नहीं। अब इसके चलते मैं तो आप लोगों का ही माध्यम से अपनी बात को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का भविष्य आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप जो है देश की जनता की जो आवाज़ है, जो सही मायने में एक पहुँचनी चाहिए एक जनता तक, वो आपके माध्यम से YouTube चैनल के द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप दे रहे हैं। मेरी दिल से शुभकामना है कि आपका जो चैनल है, इस माध्यम से आपका मतलब भविष्य आने वाले टाइम में वो बहुत उज्ज्वल होगा। और जैसे कि अब देखिए कि गोदी मीडिया जो है वो सरकार की नाकामी तो कभी नहीं दिखाती, और सिर्फ वो चीज़ दिखाएंगी कि जैसे कि कोई भी नया कोई बिल पास किया, बिल पास करने में किसी की मंजूरी नहीं लेते ये लोग। ठीक है। जो भी बिल आता है धैड़ पेड़ लेके आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम करने पे विश्वास करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। तो अब ये बताओ कि मेरे को एक सवाल आपके माध्यम से पूछना है सरकार से कि कोई एक नया आपने काम क्या किया? भाई आप 17 साल बोलते रहते, मैं किसी कांग्रेस पार्टी से या किसी भी अन्य पार्टी से दल से नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। लेकिन अक्सर यही होता है कि अगर आप मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं या उनके मुखालिफ हो जाते हैं, तब आपको एक पार्टी है तमगा दे दिया जाता है कि ये एंटी नेशनल। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें आगे कहाँ तक जाने वाली है? एंटी नेशनल देखिए मैडम, हमारा मेन मुद्दा तो ये है कि जो ये 3 बिल जो पारित किए गए हैं, ये तो पहली अपनी मर्जी से इन्होंने किए थे पारित, जो बिल किए थे। फिर इसके बाद हमारी तो मेन मांग ये है कि ये जो 3 बिल इन्होंने पास किए हैं, इनको रद्द करा जाए और किसान को बैठ के बातचीत करे, और किसान जो चीज़ चाहता है कि भाई किसान क्या चीज़ चाहता है, इन बिल को रद्द करके उनकी बात को जो है सुना जाए। मेरी बात का कहने का मतलब तो ये। कल भी खास बातचीत होने वाली है, 9 तारीख के कल का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम है। आप लोगों को क्या लगता है सरकार का कल क्या रुख होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जब वार्ता हुई है उस दिन सारे किसानों ने वॉकआउट कर दिया, वो परिस्थिति आ गई थी उनके सामने। आपको क्या लगता है सरकार आगे क्या स्टैंड लेने वाली है? मैम देखिए, हमारे जो प्रतिनिधि जो हमारी तरफ से जनता के जो लोग जाएंगे, किसान जो लोग, उनका सिर्फ यस और नो का ही सवाल है। उन्होंने बस यही चाहते हैं कि भाई ये जो बिल है ये आप वापस लो, और हमारी और कोई मांग नहीं है। सरकार से क्या उम्मीदें आपको कल होने वाली उस वार्ता से? मैडम देखिए, सरकार से तो हमारी यही उम्मीद है कि जो बिल हैं इनको जो है रद्द करे, और जो किसान चाहता है उसको किसान की सुने, बैठ के जो बिल में जो करनी है अपना बातचीत करे बैठ के। अगर वो बातचीत कल भी अगर विफल, अगर पहली बात तो हम ये चाहेंगे कि हो, अगर नहीं हो पाती है तो हमारा जो प्रोटेक्ट है वो जारी रहेगा। और हमारा जो आज जो बंद का था, भारत बंद का, इसको गोदी मीडिया द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि ये सफल नहीं रहा है, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमारा जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल सफलतापूर्वक रहा है, सफल रहा है, और किसी भी तरह की हमारी तरफ से कोई हिंसा भी नहीं हुई है, ना हम करना चाहते हैं। ये हमारा जो शांतिपूर्वक जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये आगे जब तक जारी रहेगा जब तक मोदी सरकार अपना जो बिल है वो वापस नहीं लेती है, रद्द नहीं करती है। अगर कल बिल में या जो उसमें कोई संशोधन करने के लिए अगर सरकार के लोग कहते हैं, तब क्या रुख होगा? मैडम हमारा रुख तो यही है, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि जो 3 बिल हैं कि इनको रद्द करें,
और अगर नहीं वो रहे, अगर वो नहीं करते हम संशोधन के लिए एग्री बिल्कुल नहीं है। रही इसकी बात, हम जो बिल तीन बिल के हैं वो रद्द करें बस। महाखबर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आप दोनों का। तो ये थे दिल्ली के कुछ निवासी जो गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और साथ ही किसानों का साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। महाखबर देखने के लिए धन्यवाद।